जी वेलकम बैक। अच्छा जी, तो मैडम आपको अमेज़ॉन के जो बिजनेस मॉडल है इनके बारे में बता रही थी। अच्छा, जो नया लिंक होता है ना, इसमें को 5-7 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग ने डाउनलोड होना होता है और देन फिर अपलोड होना होता है यूट्यूब के ऊपर ना। इसमें थोड़ा सा बेटा आप ना सब्र कर लिया करें। अच्छा जी, जो अमेज़ॉन के बिजनेस मॉडल हैं, देखिए ये वो मेन चीज़ है जो कि आपको पता होना चाहिए। यहीं से बच्चे जो है ना जब सीखते हैं तो डी ट्रैक हो जाते हैं, क्योंकि उनको शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं पता होता कि कौन सा बिजनेस मॉडल कितनी इन्वेस्टमेंट का है और कौन सा बिजनेस मॉडल कितना रिस्की है और कौन सा नॉन रिस्की है। तो बच्चे फिर जब सीख लेते हैं और तब पता चलता है कि इसके लिए तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। बेटा हसन नवाज, आप अपना कैमरा ऑफ करें, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा जी, हमारे यहाँ देखिए पाकिस्तान में ना जो ज़्यादा मॉडल पढ़ाया जा रहा है वो प्राइवेट लेबल है। मेन तीन मॉडल है अमेज़ॉन के ऊपर। प्राइवेट लेबल, जिसको PLB बोलते हैं, होलसेल FBA, और थर्ड पे आता है आपका ऑनलाइन आर्बिट्राज या ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, अब आप इन तीनों मॉडल्स को पहले अच्छी तरह से समझ लें। अगर आपको ये मॉडल समझ आ गए तो समझ लें कि 25% आपको अमेजोन का पता चल गया, कि अमेजोन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, या आपको चीज़ समझ आ जाएगी। ये जो प्राइवेट लेबल है ना, जो हमारे ज़्यादा सिखाया जा रहा है और हर इंस्टीट्यूट इसको सिखाता है, और वो सिखाते भी इसको, थ्योरी भी इसके ऊपर ही है, प्रैक्टिकली इसका कुछ नहीं करवाते। ये बेटा ऐसा बिजनेस मॉडल है कि जिसमें आप एक ही प्रोडक्ट को अपने लेके उसको अपना ब्रांड बनाते हैं, उसको पेटेंट करवाते हैं, उसको रजिस्टर्ड करवाते हैं, और उसी एक प्रोडक्ट को लेके आप अमेज़ॉन पे सेल करने के लिए जाते हैं। अच्छा, उस एक प्रोडक्ट को आपको या तो मोस्टली मोस्टली जो है ना वो चाइना से, अलीबाबा से उसको आपको आपको उसकी इन्वेंट्री जो है वो तैयार करवानी पड़ती है। और आपको अमेजोन इस मॉडल में ये कहता है कि आपने मुझे इसकी 6 माह की इन्वेंट्री मेरे वेयर हाउस भेजनी है। तो जो 6 माह की इन्वेंट्री होती है ना उस प्रोडक्ट की, उसके ऊपर आपकी ठीक ठाक कॉस्ट आ जाती है, ठीक ठाक। ठीक ठाक आपकी कॉस्ट उस 6 माह की इन्वेंट्री को बनाने के ऊपर आ जाती है। ऐसा मॉडल है जिसको अगर आपने पाकिस्तान में बैठ के US में प्राइवेट लेबल करना है तो आपको कम से कम पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपए की जरूरत होगी, तब आप प्राइवेट लेबल कर सकें। बेटा आप हो जाए, आप बेटा म्यूट हो जाए, शोर हो रहा है तो रिकॉर्डिंग पर डिस्टर्ब होती है। फरहाद म्यूट हो जाए बेटा। बॉटम में लेफ्ट कॉर्नर पे माइक है ना, इसके ऊपर क्लिक करें। चले, वेरी गुड। अच्छा जी, अब बच्चों को ये मॉडल पढ़ा दिया जाता है, सिखा दिया जाता है, फीसें ले ली जाती हैं, और थ्योरी से पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकली करवाते हैं कुछ नहीं है। तो बच्चे को बाद में करने के बाद समझ नहीं लगती कि अब मैं क्या करूं, ना उसके पास से 1 करोड़ रुपया हो, ना वो ये काम कर सके। और चूंकि हाई इन्वेस्टमेंट का ये मॉडल है, और फिर जो 6 माह की इन्वेंट्री आपने भेजी है वो पता नहीं प्रोडक्ट चले या ना चले, बिके या ना बिके, तो रिस्क लेवल बहुत ज़्यादा है इसमें। रिस्क लेवल बहुत ज़्यादा है आपकी इन्वेस्टमेंट का डूबने का खतरा, जिसकी वजह से वर्ल्ड में कम लोग इसको करते हैं। अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 10 लोग ये प्राइवेट लेबल करते हैं, वो भी वही कि जो बहुत जिनके पास इन्वेस्टमेंट होती है, इनके पास हाई इन्वेस्टमेंट होती है, वो लोग ये मॉडल एक तरह करते हैं। तो बच्चे एज ए वर्चुअल असिस्टेंट भी इसको सीखने के बाद इसमें काम नहीं कर सकते, क्योंकि इसके क्लाइंट ही बहुत कम होते हैं। जब क्लाइंट कम होंगे तो क्लाइंट उनको नहीं मिलेगा, और प्राइवेट लेबल वाले ने जब किसी वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करना होता है तो उसने एक्सपीरियंस्ड जो है ना वो वर्चुअल असिस्टेंट या VA देखना होता है, क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट बड़ी हैवी करनी होती है। तो जिस बंदे ने इतना ज़्यादा पैसा बिजनेस पे लगाना है उसने कभी भी नए VA को काम नहीं देना, तो इसलिए फिर बच्चों को इसमें ना एज ए VA काम मिलता है और ना वो अपने अकाउंट पे काम कर सकते हैं। और बच्चे इसको सीखने के बाद जो है वो अपना वेस्ट कर जाते हैं और काम नहीं कर पाते और अर्निंग नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए क्या है ये प्राइवेट लेबर। नंबर 1, होलसेल FBA क्या है। होलसेल FBA में जस्ट लाइक दैट कि एक फॉर एग्जांपल एक मार्ट है। अब मैं आपको एक फिजिकल एग्जांपल देके समझाने लगा हूँ ताकि आपको इजीली समझ लग जाए कि होलसेल FBA मॉडल अमेजोन में कैसे वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल एक फिजिकली मार्ट है, बहुत बड़ा मार्ट है,
उसमें बेशुमार प्रोडक्ट लगी हुई हैं, और उसमें डेली डेली उसमें कोई आप कह लें कि 50,000 लोग उसमें डेली आते हैं उस मार्ट में, और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स खरीद के लेके जाते हैं। तो उस मार्ट की जो ट्रैफिक है वो पता चल गई कि जी 50,000 लोग इसमें आ रहे हैं इस मार्ट में, ठीक है। और आपने क्या किया, आप उस मार्ट में गए, उसके मालिक से बात की, और वहीं पे आपने एक काउंटर ले लिया, आपने एक काउंटर ले लिया किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल लिप्टन का, या पेप्सी का, या कोक का, या फेयर एंड लवली का, किसी अच्छे ब्रांड का जिसकी कि आपने देखा कि यहाँ पे सेल अच्छी हो रही है, आपने उस ब्रांड का उस मार्ट के मालिक से इजाजत लेके एक वहां पे काउंटर लगा लिया। अब आपको पता है कि इस मार्ट में डेली इतने कस्टमर आते हैं, तो ये कस्टमर मेरे काउंटर पे भी आया करेंगे, और मेरे से भी चीज मेरे जो ब्रांड है इसकी लेके जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रांड बिक रहा है, वो चल रहा है, उसकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, आपने जस्ट उसकी इन्वेंट्री ली, वहां पे रखी और अपनी सेल शुरू कर दी, तो आपकी सेल्स वेरी फर्स्ट डे स्टार्ट हो जाती है, नंबर वन, क्योंकि आप एक चलती हुई ट्रेन में सवार हो गए हैं, ओके, और आपने एक अच्छे ब्रांड को पकड़ लिया है उसमें जाके। तो सेम अमेजोन में होलसेल एफबी इसी तरह से है कि आपने एक अमेजोन पे ट्रैफिक ऑलरेडी आ रही है, ब्रांड्स ऑलरेडी सेल हो रहे हैं, आपने उनमें से किसी एक अच्छे ब्रांड को हंट किया, हंट कैसे करना है ये हम आपको अब सिखाएंगे, और यही मेन आर्ट है। आपने अच्छे ब्रांड को हंट किया और उसकी प्रोडक्ट ली, और उसके ब्रांड से उसका अप्रूवल लेने के बाद उसकी इन्वेंट्री बाय की और अमेजोन पे उसको सेल करना शुरू कर दिया। तो चूंकि वो ऑलरेडी पहले सेल हो रहा होता है, उसको और सेलर भी सेल कर रहे होते हैं, तो आपकी सेल्स भी वेरी फर्स्ट डे स्टार्ट हो जाती है। इसमें अमेजोन आपको बिल्कुल नहीं कहता कि आप 6 माह की इन्वेंट्री मुझे दो, इसमें वो ये कहता है कि आप ओनली 10 पीस की इन्वेंट्री, ओनली 10 पीस के साथ आप अपनी किसी एक प्रोडक्ट को भी स्टार्ट कर सकते हो होलसेल एफबीए में, और आप अपने अकाउंट के ऊपर जितनी मर्जी चाहे प्रोडक्ट लिस्ट कर लें, बेशक 1 लाख से भी ऊपर प्रोडक्ट आप अपने अकाउंट पे लिस्ट कर लें, तो उस पर आपकी किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अमेजोन की तरफ से। ये एक लिजिटिमेट और लीगल बिजनेस है जो कि अमेजोन अलाउ करता है इस बिजनेस मॉडल को, और इसमें आपको किसी किस्म की कोई परेशानी अकाउंट के सस्पेंड होने की नहीं होती, ठीक है, नंबर वन। लेकिन चीज ये है कि आपने उस ब्रांड के या उसके डिस्ट्रीब्यूटर के जो भी प्रोडक्ट आपने सेल करनी है उससे उसका अप्रूवल लेने के बाद फिर आपने उसको सेल करने जाना है, ये हो गया होलसेल। ये हम आपको सिखाएंगे, और इसी का ही कस्टमर है दुनिया में, क्योंकि ये लो इन्वेस्टमेंट का मॉडल है, इसको आपने अगर खुद अपने अकाउंट पे स्टार्ट करना है, जैसे कि वो एक बेटा बता रहा है कि उसने अकाउंट बनाया है, एलएलसी बनाई हुई है, और उसने अपना होलसेल स्टार्ट करना है, तो 15 से 20 लाख में ये बहुत अच्छा शुरू हो जाता है पाकिस्तान में ही बैठ के, नंबर वन। और रिस्क इसमें क्यों नहीं है कि आप एक चलती हुई प्रोडक्ट के साथ जा रहे हैं, उसकी सेल्स ऑलरेडी हो रही हैं, तो आपकी सेल्स भी वेरी फर्स्ट डे स्टार्ट हो जाती हैं, और ओनली 10 यूनिट्स की इन्वेंट्री लेके जानी है, 10 यूनिट्स की इन्वेंट्री अगर आप देख लें कितने दिनों में सेल हो जाएगी, बहुत भी थकी हुई प्रोडक्ट होगी तो 4-5 दिनों में वो 10 यूनिट्स सेल हो जाएंगे, आपको किसी किस्म का कोई लॉस नहीं होगा, एज कंपेयर टू प्राइवेट लेबल जिसमें आप 6 माह की इन्वेंट्री लेके जाते हैं, ठीक है। ये हो गए 2 मॉडल जो आपको सिखाया जाएगा, वो होलसेल एफबी होगा, ओके। और थर्ड मॉडल है जिसमें ऑनलाइन आर्बिट्राज आता है और ड्रॉप शिपिंग आती है। अच्छा, अब ऑनलाइन आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग में अमेजोन की तरफ से रिस्ट्रिक्शन काफी है, ये मॉडल भी कुछ इस किस्म के हैं कि इसमें रिस्ट्रिक्शन उसने बिल्कुल ठीक लगाई हुई हैं, और इन रिस्ट्रिक्शन को जो हमारे पाकिस्तानी है खासकर वो मीट नहीं कर पाते, इन रेड लाइंस को वो क्रॉस कर लेते हैं और फिर उनके अकाउंट सस्पेंड होते हैं। प्रीवियस इसी साल के प्रीवियस कुछ मंथ में पाकिस्तान में कुछ 7-7.5 हज़ार के करीब अकाउंट ड्रॉप शिपिंग में सस्पेंड हुआ है, और मुख्तलिफ रीजंस की वजह से, ठीक है ना, जो कि ड्रॉप शिपिंग करते थे। तो होलसेल एफबीए में ऐसा कोई आपके साथ सीन नहीं है, ठीक हो गया। ये 3 मेन बिजनेस मॉडल है, और ये बिजनेस मॉडल जो है आपको अब समझ आ गई कि कौन सा कितनी इन्वेस्टमेंट का है और कितना रिस्की है, और कौन सा कितने इन्वेस्टमेंट का और कितना रिस्की है। हम ऑनलाइन आर्बिट्राज को और ड्रॉप शिपिंग को रिकमेंड नहीं करते, इसी वजह से कि जो उसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो आपसे मीट नहीं कर होंगी अमेजोन की, और आप अपना अकाउंट सस्पेंड करवा लेते हैं।
बहुत से बच्चों के अभी भी ड्रॉप शिपिंग में अकाउंट जो है वो सस्पेंड होते हैं। ड्रॉप शिपिंग में होता क्या है कि आपने किसी किस्म की इन्वेंट्री आप लेके अमेजोन के वेयर हाउस नहीं भेजते बेचने के लिए, आप अपनी लिस्टिंग कर देते हैं किसी प्रोडक्ट की, कोई प्रोडक्ट हंट की उसकी लिस्टिंग कर दी, और वो प्रोडक्ट आपने ऑनलाइन किसी और रिटेल मार्केट से ऑनलाइन परचेज की हुई है, फॉर एग्जाम्पल वॉलमार्ट से की हुई है, ईबे से की हुई है, शॉपिफाई से की हुई है। तो जब आपको अमेजोन पे ऑर्डर आना है, आपको एड्रेस आ जाना है कि इस एड्रेस पे आपने शिप करनी है, तो आपने वही एड्रेस और वही प्रोडक्ट आपने किसी और वेबसाइट से सस्ती देखी हुई है, तो आपने वहां पे वो एड्रेस दे देना है और वो प्रोडक्ट आपने वहां से अपने उस क्लाइंट को जो है वो भेज देनी है। तो इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी कोई नहीं होती, बगैर इन्वेस्टमेंट के ये काम हो जाता है, इसलिए बच्चे इसकी तरफ जल्दी ड्रैग ऑन हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है, अमेजोन ये कहता है कि शॉपिफाई हो गया, वॉलमार्ट हो गया, ईबे हो गया, ये सब उसके कंपिटिटर हैं, रिटेल के ये भी वेबसाइट्स हैं और ये उसके कंपिटिटर हैं। तो अमेजोन ये कहता है कि मेरे क्लाइंट को या मेरे प्लेटफॉर्म पे जो भी कस्टमर या बायर आता है उसको मेरी पैकिंग में ही चीज़ जानी चाहिए। तो जब आपने वो चीज़ शॉपिफाई से बाय की है या ईबे से बाय की है या किसी भी और रिटेलर से बाय की है, तो जब आप वहां से उसको भिजवा देते हैं तो वो उनकी पैकिंग में जाती है अमेजोन के कस्टमर को, जिसकी वजह से मेन प्रॉब्लम इसमें यही बनती है। और जब वो बायर या कस्टमर अमेज़ॉन को कंप्लेन करता है कि मैंने ऑर्डर तो अमेज़ॉन पे दिया और ये मुझे चीज़ ईबे से आ रही है, और साथ डेफिनेट उसकी इन्वाइस भी फिर जाएगी और इन्वेस्टमेंट इन्वाइस कम पैसों की होगी, तभी तो आप उससे ले रहे हैं ताकि आपके अंदर से पैसे बच जाएं, तो यहाँ पे फिर आके आपका अकाउंट सस्पेंड होता है और आपके पास कोई ऐसी लॉजिक नहीं होती है अमेज़ॉन को बताने के लिए कि मैंने ऐसा क्यों किया है। अमेजोन इस चीज़ को अलाउ नहीं करता, ठीक है? तो हम इस मॉडल को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते जो रिस्की हो और जिसमें अकाउंट सस्पेंशन का जो है वो रिस्क हो। तो इसलिए आपने जो है वो प्रॉपर ब्रांड से या उसके डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट का अप्रूवल लेके, और कोई मुश्किल नहीं है अप्रूवल लेना, अप्रूवल मिलते हैं आपको बिल्कुल, यहाँ पे वो तरीका बताया जाएगा जिस तरह से आप डेफिनेटली अप्रूवल लेंगे ब्रांड्स के, अप्रूवल लेके तो फिर आपने जब होलसेल एफबीए में अपनी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस भेजें, 10 पीस भेज दें, 20 पीस भेज दें, 50 पीस भेज दें, तो प्रोडक्ट के किस सेल के हिसाब से कि आपके प्रोडक्ट के स्टैट्स कैसे हैं, तो उसमें फिर आपको किसी किस्म की कोई परेशानी कोई दिक्कत आपके अकाउंट पे नहीं आएगी, क्योंकि तो ये एक लिजिटिमेट और लीगल वे है प्रोडक्ट को अमेजोन पे सेल करने का, और यही मोस्टली लोग जो है अडॉप्ट करते हैं। 80 से 85% जो वर्ल्ड में लोग हैं वो यही काम कर रहे हैं, यही बिजनेस मॉडल कर रहे हैं। और जो बच्चे कोर्स सीखने के बाद एज ए वीए काम करते हैं, उनको होलसेल एफबीए के बहुत क्लाइंट मिलते हैं वर्ल्ड में, अमेरिका में, कनाडा में, यूएई में, सऊदी अरब में, इवन पाकिस्तान में बहुत क्लाइंट है होलसेल एफबीए का, जो आपसे प्रोडक्ट हंटिंग हंट की हुई प्रोडक्ट मांगता है, उसकी बड़ी डिमांड है, सोर्स प्रोडक्ट मांगता है जिसका अप्रूवल जो है वो हुआ हो, उसकी बड़ी डिमांड है, लिस्टिंग की बहुत डिमांड है, इसकी ए टू जी अकाउंट हैंडलिंग की बड़ी डिमांड है। हम 3 से 4 अकाउंट जो हैं वो ए टू जी हैंडल कर रहे हैं, और हमारे पास अभी भी काफ़ी कस्टमर आते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम ना होने की वजह से हम वो अपने बच्चों को फिर आगे शिफ्ट करते हैं, जो अच्छे काम करने वाले बच्चे होते हैं उनको। तो ये मेन मॉडल है, ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। और नेक्स्ट आपको ये देखिए जरा, ये आ गया FBA। व्हाट इज FBA? FBA की टर्म अमेजोन में होलसेल में यूज होती है ज़्यादा, और होलसेल में ही इसका काम है। ये इसका वर्क क्या है, मैं आप आपको सिंपल लैंग्वेज में ये चीज़ें समझाता हूँ ताकि आपके जहन नशीन हो जाए। FBA में जब आप होलसेल FBA का बिजनेस मॉडल अडॉप्ट करते हैं अमेजोन पे, तो आप जो प्रोडक्ट अपनी होती है, जो आपने लिस्ट की है सेल करने के लिए, उसकी इन्वेंट्री बाय करके अपने सोर्स से, अपने सप्लायर से उसकी इन्वेंट्री बाय करने के बाद आप अमेजोन के वेयर हाउस सेंड कर देते हैं। अमेजोन क्या करता है कि जब आपके अकाउंट पे ऑर्डर आता है तो वो खुद ब खुद ही आपकी उस प्रोडक्ट को पिक पैक और शिप करके आपके क्लाइंट को जो है वो भेज देता है। अच्छा, इसमें आपका काम खत्म हो गया, अब अमेजोन आपकी जगह पे काम कर रहा है। जब भी ऑर्डर आएगा अमेजोन ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्ट को अपने गोदाम से पिक पैक और शिप करके आपके क्लाइंट को उसके एड्रेस पे सेंड कर देगा। तो इस सर्विस को बोला जाता है FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। इसमें आपका ऑर्डर अमेजोन फुलफिल कर रहा होता है और वो इस सर्विस के अगेंस्ट आपसे चार्ज करता है,
आपके प्रोडक्ट की डायमेंशन और उसके वेट के अकॉर्डिंग। ओके, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि अमेजोन आपसे FBA की सर्विस के अगेंस्ट आपसे चार्ज करता है प्रोडक्ट की डायमेंशन और उसके वेट के अगेंस्ट, जितना उसकी डायमेंशन और वेट होएगा उसके हिसाब से वो चार्ज करता है इस सर्विस का, ठीक है। और जब आप अमेरिका में कोई भी प्रोडक्ट को सेल करेंगे और आप अमेरिका के रेजिडेंट्स ना हो, अमेरिका से बाहर बैठ के जब भी आप ये काम करेंगे तो आपको इस सर्विस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपने कोई अपना वेयर हाउस नहीं बनाया होता अमेरिका में, आप वहाँ के रेजिडेंशियल नहीं होते, आप वहाँ नहीं रह रहे होते, तो आप अपना ऑर्डर खुद पिक पैक और शिप नहीं कर सकते, तो आप अपनी इन्वेंट्री को अमेजोन के वेयर हाउस भेज देते हैं और वहाँ से अमेजोन आपके हिस्से का ये काम करता है। नंबर वन, ये तो हो गया FBA, ठीक है। और ये देखिए, मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ कि ये आपकी इन्वेंट्री है, आपने अपनी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस सेंड कर दी। अब अमेजोन ने जब आपके अकाउंट पे ऑर्डर आपको आया आपकी प्रोडक्ट का, तो उसने अपने वेयर हाउस से उस इन्वेंट्री को जो आपने भेजी हुई है उसको पिक किया, पैक किया और शिप करके आपके कस्टमर को सेंड कर दी, और उसकी जो अमाउंट होगी वो आपके अकाउंट में शो हो जाएगी, और जितनी भी आपकी सेल होगी आफ्टर 14 डेज वो आपके पाकिस्तानी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। अंडरस्टैंड? अच्छा जी, ये तो हो गया FBA। और दूसरा जो वे होता है इसको वेज बोलते हैं, बिजनेस वेज। एक FBA हो गया, दूसरा है FBM। अच्छा, FBM जो है ये वो लोग कर सकते हैं जो कि अमेरिका में ही बैठे हुए हैं और अमेरिका में ही सेल कर रहे हैं, ठीक है। वो कैसे? इस मॉडल में आपको जब ऑर्डर आता है तो आपने अपनी इन्वेंट्री अपने वेयर हाउस में रखी हुई होती है, अमेजोन के वेयर हाउस नहीं भेजी हुई होती, तो वो इन्वेंट्री आपके वेयर हाउस में पड़ी हुई है, आपका माल आपके वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, आपको ऑर्डर आया अकाउंट के ऊपर, आपने वहां से उस ऑर्डर को पिक किया, पैक किया और अपने कस्टमर को शिप कर दिया। तो इसमें आप अपना ऑर्डर फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, मर्चेंट खुद अपने ऑर्डर को फुलफिल करता है, इसको बोलते हैं FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, कि मर्चेंट ने अपना ऑर्डर खुद फुलफिल करना है। इसमें आपको फिर FBA की फीस अमेजोन को किसी किस्म की कोई पे नहीं करनी पड़ती, बल्कि आपको खुद से चार्जेस पे करने पड़ते हैं उस प्रोडक्ट को शिप करने के ऊपर जो भी एक्सपेंसेस आते हैं। तो ये देखें इसका ये डायग्राम कि आपकी इन्वेंट्री यहाँ पे आपके अपने वेयर हाउस में पड़ी हुई है, ठीक है। आपको जब ऑर्डर आता है तो आप ये जो कोरियर सर्विसेज हैं, फेडेक्स हो गया, UPS हो गया, USPS हो गया और DHL वगैरह, इनके थ्रू उस ऑर्डर को पिक पैक और शिप करके तो आप अपने कस्टमर को जो है वो कोरियर कर देते हैं, उसको पहुंचाते हैं। और इसमें अगर रिटर्न हो जाए या ऑर्डर टूट जाए या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आपकी प्रोडक्ट के साथ आ जाए तो उसमें आप खुद जिम्मेदार होते हैं। FBA में ऐसा नहीं है, FBA में अगर कोई रिटर्न हुई है तो अमेजोन ही उस रिटर्न को जो है वो क्लियर करता है। अगर कोई प्रोडक्ट रस्ते में ब्रेक हो गई है, टूट गई है या कोई ऐसा मसला हो गया है तो अमेजोन आपको रिफंड करता है, क्योंकि वो अमेजोन से वो काम हुआ है, आपसे नहीं हुआ। इसमें ऐसा नहीं होता, अमेजोन FBM की निस्बत FBA वाले अपने क्लाइंट्स को या अपने सेलर्स को जो है वो प्रिविलेज देता है, दूसरे अल्फाज में हम ऐसे कह लेते हैं, ठीक है। अब तीन मॉडल हैं अमेजोन में बिजनेस के जो आपको बताए हैं, और दो वेज है काम करने के, एक FBA और एक FBM। स्टार्ट में आपको इतना ही ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो आपकी क्लास, जी मैडम कल कर लें या परसों? कल करेंगे क्लास, इनकी क्लास नेक्स्ट कल करें या कि परसों? अच्छा, वैसा है कि परसों आपकी क्लास होगी, ठीक है। और परसों की क्लास में आपको किस तरह से आपने अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट करना है, उसके स्क्रीनशॉट कैसे लेने हैं, उसको कैसे सबमिट करवाना है, ये सारा तरीके अगर आपको समझाया जाएगा। प्रैक्टिकल वर्क कल से, परसों से आपका स्टार्ट हो जाएगा, कल आपका ऑफ है, परसों क्लास होगी नेक्स्ट, ठीक है। और आपने क्या करना है, अच्छी तरह से जेनशिन कर लें, एक आपने कैनवा को अपने लैपटॉप में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है, और उसको अपने जीमेल से साइन अप और साइन इन कर लीजिएगा कैनवा को, ग्रुप में भी मज़ीद बता दिया जाएगा। और दूसरा, आपने एनी डेस्क, उसका मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ,
ग्रुप में, वहां से आप उसको जो है डाउनलोड करके तो अपने लैपटॉप में उसको भी इंस्टॉल करें, एनी डेस्क को। इन एप्लीकेशंस की हमें आगे ज़रूरत पड़नी है, ओके। और कुछ एक्सटेंशंस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डाउनलोड करवाऊंगा, वो फ्री की एक्सटेंशंस होंगी, वो भी हमें आगे इस्तेमाल होंगी हमारे काम में, आपके प्रैक्टिकल वर्क में। तो वो भी बहुत सिंपल है, आसान है, मुश्किल नहीं है डाउनलोड करके उनको अपिन आउट करना, तो वो मैं आपको साथ बता दूंगा। और इसके अलावा जूम आपने अपना ऑलरेडी कर लिया हुआ है, कैनवा हो गया। हाँ, आपने अपने जो जीमेल है वो अपने नेम के साथ ग्रुप में सेंड करने हैं, हर बच्चे ने अपना नेम लिखना है, अपना जीमेल देना है, ताकि आपको असाइनमेंट शीट सेंड की जाए ग्रो वाइडर की तरफ से। आपको एक गूगल असाइनमेंट शीट सेंड की जाएगी जो कि आपको आपके जीमेल के इनबॉक्स में रिसीव होगी, ठीक है। उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सारा बताऊंगा, और उसी के ऊपर आपने अपनी असाइनमेंट को सबमिट करवाया करना है, और फिर आपकी हर असाइनमेंट नेक्स्ट लेक्चर से पहले चेक हुआ करेगी, उसकी मार्किंग हुआ करेगी। आउट ऑफ 10 हर असाइनमेंट के नंबर आपको मिला करेंगे, और कोर्स के एंड में जिस बच्चे के नंबर सबसे ज्यादा होंगे वो फर्स्ट होगा, जिसके उससे कम वो सेकंड, और उससे कम वो थर्ड। तो इसी तरह से आपकी पोजीशंस भी सामने आ जाएंगी कोर्स के एंड में। तो सब बच्चों ने अपनी असाइनमेंट अच्छे से करनी है, कोई लेक्चर मिस नहीं करना, क्लास मिस नहीं करनी, और क्लास से 5 मिनट पहले आपने रेडी हो जाया करना है। बच्चे आप क्लास में लेट नहीं होने चाहिए, ठीक है, ज्यादा वेट नहीं हुआ करेगा, लेक्चर टाइम पे शुरू हो जाया करना है, और ऑन एंड टाइम पे आपको लिंक आ जाया करना है। अगर किसी वजह से कोई क्लास नेटवर्क इशू की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से कोई क्लास किसी दिन ना हो पाए, तो आपको ग्रुप में पहले से बताया जाएगा। ग्रुप को फ्रिक्वेंटली वॉच करना है, ग्रुप में अपने आंसर क्वेश्चन करने करने हैं, और कोशिश करनी है कि लेक्चर के एंड में जब आपको क्वेश्चंस के लिए कहा जाए तो आप अपने क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि आपके क्वेश्चंस से दूसरे बच्चे भी सीख सकें, ओके जी। अब किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है आज की क्लास से रिलेटेड, लेक्चर से रिलेटेड, तो आप कर लें, अदरवाइज अगर क्लियर है तो फिर बताएं कि क्लियर है, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं जी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो आपको बिजनेस मॉडल डिटेल से आज बताए हैं और वे ऑफ वर्किंग है इन बिजनेस मॉडल में, एफबी और एफबीएम, ये आप किसी भी जगह पे कोर्स कर लें, 2-2 मंथ के कोर्स कर लें, आप लोगों को यही नहीं पता होता कि हम अमेजोन में मॉडल कौन सा सीख रहे हैं, हमने मॉडल करना कौन सा है और इसमें वर्किंग के वेज कौन से हैं। ठीक है, होप सो कि जितनी डिटेल से बता दिया गया आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। फिर भी अगर किसी को भी क्वेश्चन है तो करें, अदरवाइज हम इसको वाइंड अप करते हैं। ऐसा है कि हर लेक्चर की आपको रिकॉर्डिंग जो है वो ग्रुप में मिलेगी, ठीक है, तो आप रिकॉर्डिंग से हेल्प लेकर भी अपनी असाइनमेंट करेंगे, तो आज के लेक्चर की भी रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में सेंड की जाएगी, ठीक हो गया, बाकी क्लियर है तो वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं, परसों बेटा आपकी क्लास होगी, कल ऑफ, और उससे नेक्स्ट डे आपकी क्लास होगी, ठीक है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।